वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है लाइफ दोगुना। मैं हूं रवि, ये है राहुल, और आज हम करने वाले हैं एक और कंपैरिजन। ठीक है, दोनों बोतलों का रिव्यू आपको हमारे चैनल पे दिख जाएगा ऊपर, या तो आई बटन में, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना बोतलें निकालते और स्टार्ट करते हैं। क्यों? बिल्कुल। अब देख रहे हो दोनों की दोनों बोतलें अब आती हैं तो खुल जाती हैं तो एक बार खुल जाती तो बट भी जाती हैं। बिल्कुल। अब ये देखो, वैसे हम कम ही पीते हैं बट जो लोग आते हैं उनको सर्व कर देते हैं। ठीक है, किसी के काम तो आए। चलो जो देरी ना करते हुए पोरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा वेल, तो इस तरफ है रॉयल स्टैग, उस तरफ है रॉयल चैलेंज, ये है सीग्रम्स की पर्णोरिका के अंदर आती है वो। बिल्कुल, तो दोनों इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड हैं, काफी ज्यादा पुराने भी हैं और बहुत ज्यादा इन दोनों की फैन फॉलोइंग है ना। बहुत ज्यादा आरसी वालों की अलग है। आज का रूट होने वाला भाई। बिल्कुल, लोग ना मतलब बैठे होंगे भाई, डंडा लेके बैठे होंगे भाई, आज क्या बताते हैं मेरे ब्रांड के बारे में। अगर उधर गलत बोल दिया तो गालियां सुनेंगे, इधर गलत बोल दिया तो गालियां सुनेंगे। देखो, जो हमारा सिंगल रिव्यू होता है उसके अंदर हम बता सकते हैं भाई कौन सा क्या चीज के अंदर अच्छी खासियत होता है, लेकिन जब कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है ना किसी भी चीज के अंदर, चाहे आप हो मैं हूँ, किसी चीज के अंदर कंपैरिजन होता है ना तो एक कंपटीशन वाली भावना आ जाती है भाई। बिल्कुल, तो देखो ऑनेस्ट रिव्यू देंगे हम अपना कुछ। ऐसा नहीं किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, ना किसी को ज्यादा बुरा भला बोलेंगे, बट हाँ कोशिश करेंगे कि जो हमें फील लगता है वो बोले। किसी की दारू वाली फीलिंग हम आहत करने वाले नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दोनों में एक चीज की खासियत देखिए, दोनों के साइड में ईयर लिखा हुआ है, एक तरफ है 1886, इस तरफ 1857, बहुत पुराना है। ये 1857 से रॉयल स्टैग नहीं आ रही है, 1857 से जो सीग्रम कंपनी है वो एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्टली, एंड सेम गोज विद दिस आल्सो, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी काफी पुरानी रही है। खैर, आगे जल्दी से बात करते हैं, स्टार्ट कर ले, स्टार्ट करते हैं कंपनी का। ये आप ले लो, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस साइड इज रॉयल स्टैग, दिस साइड इज आरसी, रॉयल स्टैग आरसी। ठीक है, तो किसे स्टार्ट करें? आरएस आरसी कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो, कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा है मेरे को इसका, हल्का सा डार्क कलर है ना, आरएस का थोड़ा सा डार्क है आरसी के मुकाबले, थोड़ा ये थोड़ा सा ज्यादा एक ब्राउनिश सा टिंट आ रहा है इसके गोल्डन कलर में, और अगर इसको देखे तो ये ठीक है, ये वाला वो कॉपर ब्राउन वाला थोड़ा टच दे रहा है ये, नहीं ये कॉपर ब्राउन वाला है, ये गोल्डन है, देखो देखते है ना, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है आरसी का कलर मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। हां, थोड़ा सा सही है, कलर के मामले में आरसी दाव पिच मार चुकी है यहां पे, इसमें थोड़ा कलर ज्यादा ऐड किया हुआ है। चलो नोजिंग करते हैं। ओ, बहुत ज्यादा पास से ले रहा हूँ मैं, पास से लेने लायक नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड है, पास से लेने लायक नहीं है। स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली नोज पे, जैसे कि पहले भी बताया था, आरसी एक बार ट्राई करें। इसमें है लेकिन थोड़ा हल्की सी मेलो है, इसमें हल्का सा बबका इसमें भी है लेकिन इसमें उतना नहीं है, हल्का है। हाँ, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, ज्यादा नहीं कहेंगे। ये तो एकदम से नोज पे लेते के साथ ही लगी थी, हल्की सी मेलो है, बिल्कुल एक नॉच नीचे है आरसी आरएस से। ट्राई करते हैं फिर। चलो जी, आरएस से ट्राई करते हैं। चीयर्स। वनीला मोलेसेस। माउथ बर्न है, उतरते हुए भी है बर्निंग इसमें, बाकी हाँ सही कह रहा है, वनीला थोड़ा सा आपको फील हो जाएगा, थोड़ा सा मिठास है, थोड़ी सी मिठास इसमें है, जो कि मेरे को इस वजह से लग रही है कि कम मेच्योर्ड है, तो जो मोलेसेस है उतना ज्यादा मेच्योर नहीं हुआ है, तो मोलेसेस की मिठास इसमें है। वैसे एक चीज और बता दूं, दोनों में कलर एडेड है, दोनों में मोलेसेस भी है, और दोनों में आपको थोड़ा बहुत सा फ्लेवरिंग वगैरह भी दोनों के दोनों में एडेड है। ये ट्राई कर लेते हैं एक बार, कितनी हिम्मत कर रही है। फ्लेवरिंग
फ्लेवर वाइज भी ना वही 19-20 सी लगी मेरे को भी, है ना, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है, लेकिन फ्लेवर वाइज थोड़ा सा आफ्टर बिटरनेस है आरसी में, थोड़ी सी आफ्टर टेस्ट है ना बिटर, थोड़ी सी कड़वाहट बीच में रह जाती है पीछे से, बाकी और रेट में भी दोनों के 19-20 का फर्क है। हाँ मतलब अगर नीट पी रहे हो ना और दोनों में से कोई सी भी आपके सामने रख दी जाए, ठीक है, मतलब आपको आरसी पोर कर दीजो आरएस की बोतल रख दो, या फिर आपको आरएस पोर कर दो आरसी की बोतल रख दो, ठीक है, तो ज्यादा पता चलेगा नहीं, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं पता चलेगा, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि दोनों ही बहुत स्ट्रांग है, 19-20 का ही फर्क है। अगर अकेले कोई एक बार इसमें बैठ के पीना स्टार्ट करूंगा तो नहीं पता चलेगा ज्यादा, तेरे को पोर कर लेते हैं वाटर थोड़ा सा मेलो करेंगे तो शायद थोड़ा सा और टेस्ट एनहांस हो इसका, थोड़ा सा और पता चले दोनों में। देखो आरसी के टाइम पे जब रिव्यू किया था, आरसी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग लगी थी कि मैं ठीक से रिव्यू भी नहीं कर पा रहा था, मतलब गले से नीचे उतर ही नहीं रही थी। एक चीज़ और बता दूँ, इनकी बोतलों पे बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं कि फाइन ब्लेंड ऑफ इंपोर्टेड स्कॉच मॉल्ट, इस ये चीज़ शायद इस पर भी लिखी हुई है, रिचनेस में नहीं क्या क्या, हाँ, और इसमें मैच्योरिंग चार्ट, अच्छा तो शायद इसी वजह से कड़वाहट पता चल रही है लास्ट में जो आ रही है, बिल्कुल है ना, थोड़ा फ्लेवर अलग तो रखेंगे, ठीक है, तो मेरे को लगता नहीं है कि जो ये बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेड स्कॉच मॉल्ट वगैरह इसमें ऐड करी हुई है, देखो क्योंकि कड़वाहट इतनी ज़्यादा है कि वो मॉल्ट जैसी या स्कॉच जैसी कुछ आप फील नहीं कर पाते। मैं बताऊँ क्या करवा, उन्होंने रख के ना उसकी भाप दे दी होगी, लो ऊपर से ले लो, ऊपर से दे दिया, बस भाई बोला तो दिया है ना भाई। तो देखो बोल रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस तरीके की फ्लेवरिंग और जिस तरीके का टेस्ट प्रोफाइल है, आप इंपोर्टेड स्कॉच तो बिल्कुल मत ही एक्सपेक्ट करो, वो नहीं पता चलेगा आपको। अगर आप इसको इंपोर्टेड स्कॉच के साथ कंपेयर करने की कोशिश करोगे ना तो स्कॉच भूल ही जाओ फिर, इसको आप ऐसी ही विस्की के साथ कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो ये थी हमारी आर एस, कलर थोड़ा सा अब थोड़ा ठीक हुआ है वाटर डालने के बाद, ठीक थोड़ा सा हाँ, बर्निंग अब दब चुकी है ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है, थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी वुडी इफेक्ट आ रहा है, हाँ जो कि अच्छा लग रहा है। दारू पीने लायक बन चुकी है, स्मूद हो गई है, एक अच्छी सी आइस क्यूब हो, कैरमल फील हो रहा है, कैरमल फील हो रहा है इसमें, थोड़ी सी चॉकलेटी, थोड़ी सी वुडी इफेक्ट है वो पता चल रहा है आरएस में, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट टेस्ट हो जाता है आरएस का, जैसे कि आप नीट पियोगे और फिर वाटर ऐड करके पियोगे, बिल्कुल अपोजिट टेस्ट है। नीट में ना अल्कोहल बर्न इतना ज्यादा है कि आप ज्यादा फ्लेवर ढूंढ नहीं सकते, बिल्कुल थोड़ा सा आपको पानी मिला के ही आप एंजॉय भी कर पाओगे, पानी मिला के आप फ्लेवर वगैरह भी देख पाओगे। चलो आरएस आरसी सॉरी RSRC में कंफ्यूज रहता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मांगने जाओ, इसीलिए मेरे को लगता है नाम भी आरसी से लगता है ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं ये, कोई आरएस के भरोसे में आरसी मांग लेता होगा, कोई आरसी के भरोसे में आरएस मांग लेता होगा, दारू बात कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता भाई, जो ना चाहिए वो लेंगे, टेकेंगे, मेरे से तो भाई कभी बड़ी कंफ्यूज नहीं है, गालियां भी खाई मैंने इस चक्कर में, मैं ऐसे कभी नहीं भाई, जो लेने गया वो लेके आया हूं भाई, कलर और अच्छा हो गया, थोड़ा येलो स्टेंट आ गया इसमें, ठीक है, निखर गया थोड़ा सा कलर, अच्छा भी लग रहा देखने, नोजिंग, हनी वाला जो आता है, हल्का तो आ रहा है काफी, हल्का सा हनी सा है, जो नेस होती है ना वो बहुत सही सी होके आ रही है, नोजिंग, हाँ थोड़ी सी ये चीज पता चल रही है इसकी नोजिंग, आरएस से इसकी नोजिंग थोड़ी ज्यादा मेलो है, आरएस की थोड़ी फिर भी फील हो रही थी, ये थोड़ी ज्यादा मेलो है, ट्राई करते हैं, आरएस ज्यादा ठीक थी, फ्लेवर आरएस में ज्यादा है, ज्यादा अच्छा है, फ्लेवर आरएस में ज्यादा अच्छा आ रहा है, पानी वाटर ऐड करने के बाद वो ज्यादा अच्छा दे रही है, और ये इसका नीट में थोड़ा सा ठीक हल्का फुल्का ठीक था, लेकिन ये वाटर ऐड करने के बाद बहुत ही ओकेनेस जो ज्यादा बढ़ रही है इसकी, और मजा नहीं आ रहा है इसमें, चारीनेस जो लिखा हुआ है ना इसकी बोतल पे थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, और बस स्मूथ तो हो गई है, नो डाउट बर्निंग इफेक्ट कम हो गया, बट फ्लेवर वाइज अगर मैं बोलूंगा तो आरएस बेटर है, मतलब कि ये कि जो थोड़े से हार्ड विस्की लवर है ना, जो मतलब कि बैरल वगैरह में चार्ज वगैरह बैरल में जाते हैं वो ये वाले ले सकते हैं, और इसका और बिल्कुल दोनों का बॉटल में हिसाब से रखिए, इसका रंग काला रखा गया, उसका रंग रखा गया वही वाला वाइट, कि भाई
हल्का सा तुम उसमें लो, जो हार्ड उसकी लवर है वो ये लो, तो लाइट उसकी लवर है वो लो। पानी मिला के, हाँ ये ज़्यादा स्मूथ है, पानी मिला के फ्लेवर ज़्यादा इसमें आपको आरएस में ज़्यादा पता चलेंगे रॉयल स्टैग में। और पानी मिलाने के बाद स्मूथ तो हो गई है आरसी, बट कड़वाहट बढ़ गई है, चारीनेस जो है इसका मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है बाकी चीज़ों को। फ्लेवर उतना ज़्यादा पता चलेगा नहीं, नोजिंग के टाइम पे हनी पता चल रहा था, बट टेस्टिंग के टाइम पे भी हनी मेरे को ज़्यादा पता चला है। मैं बताऊँ ओकिनेस के मामले में मेरे को भी बहुत सही लग रही है, आरसी सॉरी आरसी बहुत सही है, स्मूथनेस के मामले में और हल्का जो हनी हनी का फ्लेवर देना ना और बाकी चॉकलेट वगैरह भाई वो ठीक है, लेकिन ओकिनेस के मामले में मेरे को ये बढ़िया लगी है भाई आरसी। रिजल्ट आपके सामने है, देखो बाकी देखो ये हमारा टेस्ट है, मैं और राहुल दोनों अग्री कर रहे हैं इस चीज़ में, आरएस टेस्ट वाइज ज़्यादा बेटर लगी और फील वाइज अगर देखना चाहे, अगर आप थोड़ा सा स्मोकी या ओकीनेस थोड़ा सा अगर पसंद करते हैं तो उस हिसाब से फिर आरसी बेटर है ना। तो विनर तो देखो कोई नहीं है इन दोनों में, टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी पुरानी है, दोनों 19-20 का फर्क है, पीने वाले पे डिपेंड करता है, किसी को अगर ओकीनेस ज्यादा पसंद है वो आरसी पे जाएगा, किसी को फ्लेवर चाहिए तो वो आरएस पे जाएगा, है ना। दोनों ही बजट फ्रेंडली विस्कीज हैं, आप आराम से दोनों में ले सकते हैं और दोनों में सेम इंग्रेडिएंट ऐड है, तो कुछ भी ये नहीं कह सकते कि 19-20 भी है। प्राइस में 19-20 है, इसके अंदर 40 रुपए का फर्क है जी, 40 रुपए महंगी है आरसी, आरसी 40 रुपए महंगी, 40 रुपए सिर्फ इतना फर्क है, 40 रुपए सस्ती होके भी फ्लेवर अच्छे दे रही है, है ना, और पुरानी भी है, पुरानी भी है, सिर्फ ये फर्क है दोनों में। चलो सीग्रम्स है देखो, एक बहुत पुराना बहुत अच्छा ब्रांड है, बीपी भी सीग्रम्स की है, ब्लेंडर स्प्राइड और भी बहुत सारे हैं। ब्लेंडर स्प्राइड को तुम हल्के में ले रहे हो? अरे वो तो नेक्स्ट लेवल है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि उसके लेवल पे क्या कहना चाहते हैं, तुम अच्छी है ऐसे। देखो दंगे वाली बात नहीं है, दोनों के हिसाब से जैसे हमने बताया है दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, किसी में कुछ ज़्यादा किसी में कुछ कम है। देखो हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है ना, थोड़ी बहुत कमियां तो सभी में होती हैं, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो वही वाला हिसाब किताब है यहाँ पे, जिसको ओकीनेस चाहिए वो आरसी पे जाए, जिसको फ्लेवर प्रोफाइल अच्छा चाहिए थोड़ा सा बैलेंस चाहिए वो आरएस पे जा सकता है। मैं तो भाई दोनों एंजॉय कर रहा हूँ, दिख रहा। चलो तो जल्दी से पहले चाय खत्म कर ले शो, उसके बाद एंजॉय करेंगे। चलो तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। राहुल थैंक यू गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग से रिव्यूज देने के लिए, हमें बताते रहिए किसी कंपैरिजन में करना है, हमें भी पता लगता रहे कि आगे डिमांड क्या आ रही है, हमें सप्लाई क्या देनी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे बढ़िया सी पार्टी करेंगे। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए ब्रांड्स, नए कंपैरिजन, नए रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से, राहुल की तरफ से और लाइव दोगुना की तरफ से चीयर्स, आरसी एंड आरएस चीयर्स।